चंदा दी रसोई 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अपने फ्रिज का टूर कराने जा रही हूँ। ये मेरा फ्रिज जो है वो 565 फ्रॉस्ट फ्री साइड बाय साइड सिल्वर ग्रे का फ्रिज है। यह फ्रिज मेरे छोटे बेटे ने मुझे मदर्स डे में गिफ्ट किया था। सो आई लव दिस फ्रिज वेरी मच। थैंक यू बेटा मेरा। और इसके ऊपर ये मैं लेफ्ट जो इसका डोर हुआ उसमें मैं, यानी कि फ्रीजर डोर है ये हमारा, तो इसमें मैं एक मैग्नेटिक बोर्ड लगा दी हूँ। जब मुझे कुछ कहीं जाना होता है, कुछ सामान किसी को देना होता है, कुछ सामान मेरा किचन में अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर सारा मेंशन कर देती हूँ। ये देखिए, आज मैं फ्रिज टूर बना रही थी तो मैं यहाँ देखिए, यहाँ डेट भी मेंशन है और ऊपर में हेडिंग भी डाला हुआ है। और इसे मैं, आप अच्छे से इससे रिमूव भी कर सकते हैं और अच्छे से इस पर फिर से कुछ भी लिख सकते हैं। कहीं आप जा रहे हो, कुछ ख़रीदनी है, सारा डिटेल्स आप इस पर लिख दीजिए, उसी के हिसाब से मैं इसका शॉपिंग करती हूँ। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं अब फ्रिज के राइट हैंड साइड यहाँ पर एक स्टिकर, ये मेरे बेटे ने पेरिस से ला के मुझे दिया था, वो इधर है। मैं फ्रिज में ज़्यादा कुछ नहीं स्टिकर लगाती हूँ क्योंकि मुझे घिचपिच पसंद नहीं पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको फ्रिज के फ्रीजर का टूर कराती हूँ। ये हमारा सबसे अपर सेक्शन है, इसमें मैं ये देखिए सारे स्पाइसेस मेरा यहाँ मेंशन रहता है। मुझे जब किचन में मैं कुछ बनाती हूँ तो इसे उठा के ले जाती हूँ किचन में और बना लेती हूँ। ये बटर चिकन मसाला है, ये तंदूरी चिकन मसाला है। बहुत बड़ा बड़ा नहीं लेती क्योंकि रोज़ तो ये बनता नहीं है, कभी कभार मैं बनाती हूँ। ये छोले मसाला है, ये गोल्डी का छोला मसाला मैं यूज करती हूँ, बहुत अच्छा होता है, एकदम डिफरेंट टेस्ट फ्रेंड इससे आता है। ये कश्मीरी मिर्च है, टाटा संपन्न का मैं हल्दी पाउडर लाती हूँ और ये सनराइज का लाल मिर्च पाउडर है। ये बहुत अच्छा होता है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। और ये सनराइज का ही मस्टर्ड पाउडर है। ये सबको मैं, अभी बरसात के समय में मॉइस्चर बहुत लगता है तो मैं इसको इसी में रखती हूँ और उस डब्बे में मैं मलाई जमा करती हूँ। और ये हमारा देखिए, ये फ्रोजन सेक्शन है, इसमें मैं सबसे ऊपर में, ये तो अभी खाली हो गया, अभी फिर भी है, ये मैं प्यूरी बना के टमाटो का रखती हूँ सब्जी रेसिपी में डालने के लिए। नॉनवेज बनाती हूँ उसमें डालती हूँ। और ये हमारा फ्रोजन मटर है, मैं बाजार से फ्रोजन मटर नहीं लाती हूँ, मैं साल भर का रख देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर है, ग्रीन ग्रीन। इस दो डब्बा मैं बना के रखी थी लेकिन एक डब्बा मेरा ख़त्म हो गया है, एक डब्बा अभी इसमें पड़ा हुआ है। ये मेरा साल भर चल जाता है, फिर विंटर आएगा फिर मैं जमा करूँगी। और इसमें मैं मूंग दाल की कचौड़ी बनाई थी तो उसकी थोड़ी सी स्टफिंग बच गई थी, वो मैं इसमें रख दी हूँ। फिर मैं इसे, आप इसे 2 महीने तक यूज कर सकते हो। और इस डब्बे में मैं मूंग दाल की कचौड़ी है, इसे मैं हाफ फ्राई करके रख देती हूँ, कोई गेस्ट आते हैं तो मैं इसे माइक्रो करके और सर्व करती हूँ। इसे काम करने में बहुत आसानी होती है। और ये हमारा डेयरी सेक्शन है, इसमें मैं, इस डब्बे में मैं जो चीज़ को खोलती हूँ उसे डिब्बे में डाल देती हूँ। ये मेरा अमूल बटर है, इस एक बाहर रखती हूँ एक अंदर रखती हूँ। और ये भी अमूल चीज़ है, इसको भी मैं इसी में रखती हूँ। और ये अमूल का काव घी है, अभी तो एक मंगाई थी मैं 1 लीटर, तो एक खोल दी हूँ तो अभी चल रहा है, डिब्बे में पड़ी हुई है वो। और ये अभी मैं खोली नहीं हूँ, तो इसे भी मैं फ्रीजर में ही रख देती हूँ। और इस सेक्शन में मैं, ये देखिए यहाँ मेंशन है, नॉन वेज मैं रखती हूँ। इसमें मैं चिकन विंग्स रखी हूँ, कभी कभी मैं लॉलीपॉप बनाती हूँ, बच्चे आते हैं तो मैं लॉलीपॉप भी बनाती हूँ। और इसमें मैं चिकन ड्रम स्टिक है, इसका भी मैं कबाब बनाती हूँ, सेकती हूँ कभी, बहुत बड़ा मैं रखी हुई हूँ उसी में इसे सेकती हूँ। और इसमें हमारा
फिश का अंडा है वो रखा हुआ है, इससे मैं पकौड़ा बहुत अच्छा बनाती हूँ। इसकी भी मैं वीडियो बना के यूट्यूब में डाली हुई हूँ। और इसमें हमारा ये फिश रखा हुआ है, मैरिनेट करके मैं रख देती हूँ, जब मुझे मन होता है तो मैं इसे बना लेती हूँ। और इसमें मैं ये देखिए, इसमें मैं ऊपर में ये हमारा पैटीज शीट रहता है ये मैं बना के रख देती हूँ, और इसके नीचे ये क्रीम रोल का है, इसके नीचे ये क्रीम रोल का सीट है, और ये समोसा सीट है, ये सब मैं बना के रखती हूँ। ये 2 महीना तक मेरा ख़राब नहीं होता है। और इस डब्बे में मैं सारे मसाले को रखती हूँ, ये देखिए इसमें कसूरी मेथी है, इसमें अमचूर पाउडर है, इसमें मटन मसाला है, इसमें चिकन मसाला है, इसमें चाट मसाला है, इसमें बिरयानी मसाला है, इसमें देगी मिर्च है, और इसमें किचन किंग है, और इधर भी बिरयानी मसाला ही है, क्योंकि मैं बिरयानी ऑलवेज बनाती रहती हूँ। तो जब मुझे किचन में बनाना होता है तो बहुत आराम से मैं इसे, कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, मैं इस डब्बे को लेके ही किचन में चली जाती हूँ और अपने रेसिपी में इसे डालते रहती हूँ। और ये हमारा आइस ट्रे है, तो मैं रखती हूँ, कुछ कुछ रेसिपी बनाती हूँ तो उसमें भी जैसे कुछ ब्लांच करती हूँ या कुछ लॉलीपॉप बनाती हूँ तो उसका मिर्ची उर्ची को जैसे पीसना होता है तो मैं इसी में डाल के पीसती हूँ। इससे आपका आँख में जलन नहीं होता है, इसलिए आप आइस डाल के। और इसमें भी हमारा ये चिकन रखा हुआ है मैरिनेट करके, ये मैं बनाती हूँ। इसमें मैं देखिए ये पैटीज भी मैं बना के रखती हूँ, जब कोई लोग आते हैं तो मैं इसे अच्छे से माइक्रो करके दे देती हूँ। और इसमें मैं चिकन नगेट्स बना के कुछ रख दी हूँ, बोली ना मैं बना के, कोई आता है तो इसे मुझे बनाना नहीं पड़ता है, बस गर्म करो और दे दो। और ये चिकन कीमा पराठा है, रेडी टू इट है ये, इसे भी मैं रखती हूँ, कभी कभार यूज करती हूँ, हालांकि मैं ये सब यूज़ नहीं जा। और ये नीचे सेक्शन में मैं चॉकलेट रखती हूँ, ये तो अभी खाली हो गई है, ये हमारे बेटे ने जर्मनी से ला के दिया था, तो मैं सबको बांटती हूँ, जितने भी हमारे फैमिली में लोग हैं, अपने सोसाइटी में सभी को, जितने बच्चे हैं जब भी आते हैं तो मैं एक दो भी बचा के रखी रहती हूँ तो उन लोग को देती हूँ। फ्रीजर तो हमारा कंप्लीट हो गया, फ्रीजर डोर के बारे में, ये हमारा डार्क चॉकलेट है, ये मैं केक के लिए मंगाती हूँ, केक में डालती हूँ, स्विस रोल बनाती हूँ उसमें डालती हूँ। और यहाँ पर ये ओरिगिनो है, इसे भी मैं बल्क में रखती हूँ, बनाती रहती हूँ, पिज़्ज़ा है, पास्ता है, बहुत सारे मैं इसे डालती हूँ। और ये थोड़ी सी मगज है, और इसमें मैं पिस्ता रखी हुई हूँ, और इसमें मैं मूंग दाल, खड़ा मूंग दाल है, इसे मैं फुला के सुबह में स्प्राउट खाती हूँ। और ये हमारा, इसमें मैं डेली यूज का काजू रखती हूँ, इसमें ये अखरोट है, ये मैं 4-5 पीस सुबह ज़रूर खाती हूँ, ये बादाम फुला के रात में इसे फूलने देती हूँ और सुबह इसे लेती हूँ। और इसमें ये हमारा व्हिप्ड क्रीम रहता है, इसे मैं रखती हूँ, जब केक बनाती हूँ, कुछ क्रीम रोल, स्विस रोल, कुछ भी बनाना होता है मैं इसे यूज करती हूँ, ये 2-3 महीना अच्छे से आराम से आपका रहता है। और इसमें मैं चिरौंजी रखी हुई हूँ, इसे भी मैं कोरमा, मटन कोरमा, बहुत कुछ मैं डालती हूँ, मलाई पनीर बनाती हूँ उसमें भी डालती हूँ। तो ये हमारा फ्रीजर का कंप्लीट हो गया, अब मैं आपको अपने फ्रिज का टूर करा रही हूँ। ये देखिए सबसे ऊपर में मैं, ये हमारा एक फ्रूटी का बॉटल रखा हुआ है, कुछ लोग आते हैं तो अच्छा लगता है पिलाने में। और इसमें मैं बची हुई दूध रखती हूँ,
कच्चा दूध रखती हूँ, इसी का मैं चाय दो बार एक बार इसमें रख देती हूँ, दो बार इससे चाय बनाती हूँ। और इसमें मैं पानी रखती हूँ, कभी कभी मन होता है, मन ही तो है, ठंडा पानी पीने का मन हुआ तो मैं इसे बाहर कर देती हूँ। और मिट्टी का बर्तन है तो लोकल पे वोकल तो अभी आप लोग जान ही रहे हैं, स्थानीय कारीगर लोग का बनाया हुआ चीज़ भी हम लोग यूज करते हैं, आखिर उन लोग का रोज़गार कैसे चलेगा। इस पर मैं दही रखती हूँ, दही मैं लेती हूँ, इसी मटके में मैं दही रखती हूँ और एक आध बोतल रखती हूँ, कोई मांगा तो उसे, कोई तो नॉर्मल ही आजकल लोग कोरोना में तो लोग पीते नहीं हैं ठंडा पानी, तो थोड़ा बहुत कुछ लोग मांगे तो मैं यहाँ से निकाल के देती हूँ। और इसमें मैं, इसमें भी हमारा डेली प्रोडक्ट है, और इधर मैं ब्रेकफास्ट का कुछ रखती हूँ, ये मैं होममेड मिल्क मेड है, ये मैं बना के रखती हूँ रेसिपी में डालने के लिए, जैसे केक बनाती हूँ, डेजर्ट बनाती हूँ, कुछ में भी मैंने, जैसे जिसमें मैं अंडा नहीं डालती हूँ, गुलाब जामुन बनाती हूँ, वो सब में मैं इसे यूज करती हूँ। और ये समचेरी है, इसे भी मैं यूज करती हूँ क्रीम रोल में, केक में, सब में इसे डालती हूँ। और इसमें मैं व्हिप्ड क्रीम है, आज मैं इसे बनाई थी, स्विस रोल बनाई थी तो उसमें बच गया है, वो रखा हुआ है। और ये हमारा घर का बना हुआ पनीर है, मैं घर में पनीर भी फाड़ती हूँ और उसे स्टोर करके रखती हूँ, कभी कभी तो मैं इसे भून के भी रख देती हूँ, वो ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल अच्छा होता है, आपको पानी उनी में रखने की ज़रूरत ही नहीं, आप इसे फ्राई करके रख दो तो। और यहाँ पर ये हमारा, देखिए मैं आज क्रीम रोल बनाई हूँ, हमारे बेटे आने वाले हैं तो उन्हीं के लिए मैं बना के रखी हूँ, अभी मैं इसे काटी नहीं। और ये हमारा, इसमें मैं, ये हमारा एक का बास्केट है, इसी में मैं अंडा रखती हूँ, कभी ब्रेकफास्ट में यूज करती हूँ इसे। देखिए सारा मैं मेंशन करके रखती हूँ, ये भी मेरा डेली प्रोडक्ट रहे हैं। और इसमें मैं ब्रेड और ये जैम का थोड़ा सा मैं बाहर से ही मंगा लेती हूँ, कभी कभी मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ खाने को। और इस सेक्शन में मैं मसाले रखती हूँ, ये देखिए इसमें मैं लहसुन पीस के रखती हूँ, इसमें मैं, ये नारियल है, इसे मैं कट करके रख देती हूँ निकाल के खोपड़े से, इसे मैं स्टोर करती हूँ। इसमें हरी मिर्च है, इसमें छिली हुई लहसुन रखती हूँ मैं, और इसमें मैं हरी मिर्च रखती हूँ, इसे मैं हल्दी लगा के रख दीजिए फ्रेंड आप, और ये आपका 2 महीने तक ख़राब नहीं होगा, ये मेरा आजमाया हूँ मैं ऑलवेज, बहुत दिनों से 5-6 साल से मैं हरी मिर्च को ऐसे ही रखती हूँ। ये लहसुन है, और इसमें मैं, ये देखिए ये धनिया पत्ता मैं स्टोर के कितना अच्छा से रखी हूँ, मैं इसका वीडियो बनाई थी, ये अभी हमारा 1 वीक हो गया है, देखिए कितना अच्छा से है। आप भी इसे नीचे में एक टिश्यू पेपर बिछा दे और ऊपर से रख के इसे टिश्यू पेपर से ही कवर कर दे, ये 15 दिन तक ख़राब नहीं होता। देखिए यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, धनिया पत्ता भी पानी से ये रिमूव हो गया है। और इसमें मैं, ये मैं मार्जरीन बनाती हूँ पैटिस के लिए, वो है। और इसमें मैं अदरक पीस के रखती हूँ, और इसमें मैं कड़ी पत्ता, देखिए कितना ग्रीन है अभी तक, ये भी मैं 1 वीक से स्टोर करके रखी हुई हूँ, कभी छोला में डालती हूँ, कभी इडली डोसा बनाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ उसमें डालती हूँ। और इस बास्केट में मैं ग्रीन चटनी धनिया पत्ती की 1 वीक की बना के रख देती हूँ। और इस पॉट में हमारा इमली रहता है, इसमें फ्रेंड आप काला नमक डाल दो 1 चम्मच, और थोड़ा सा सिरका है तो सिरका या नींबू का रस, ये कभी ख़राब नहीं होगा और बहुत इजीली निकल जाता है, ये बीज को भी छोड़ देता है। तो ये हमारा थर्ड सेक्शन भी ख़त्म हुआ, बता दी मैं आपको। इसमें मैं, इस बास्केट में मैं, ये स्लाइडर है, देखिए आप
अगर दिक्कत हो तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हो, बढ़ा के भी रख सकते हो, घटा के भी रख सकते हो। तो इस अभी खाली, इसमें हमारा कुछ नहीं अभी रखा हुआ है। और इसमें मैं नींबू रखती हूँ, ये देखिए, ये भी 15 दिन से रखी हुई है। इसे मैं थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा के रख देती हूँ, ये भी फ्रेश रहता है आपका 15 दिन तक, ये नींबू बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और इस सेक्शन में मैं अपने खाने की चीज़ों को रखती हूँ, जो खाना बच जाता है उसे। ये देखिए, ये हमारा गुड़ है, इसमें मैं 2-3 लौंग डाल के रख देती हूँ। बाहर रखने से तो ये ख़राब हो जाता है। और इसमें मैं केक बनाई थी वो रखी हुई है, थोड़ी सी बच गई थी वो रखी हुई है। और इस बाउल में मैं चिकन बनाई थी मॉर्निंग में, वो रखी हुई है। और इस बाउल में मैं ये डोसा का बैटर है वो रखी हुई है। और इसमें मैं दही बड़ा बनाती हूँ, तो ये देखिए दही बड़ा की भी पिठी बना के रखी हुई है। जब मन होता है मैं बना देती हूँ। तो ऐसे रखने से आपका काम करने का जो तरीका है वो बहुत आसान हो जाता है। ये भी सेक्शन ख़त्म हो गया। और नीचे में मैं ये हमारा स्प्राउट है वो रखी हुई हूँ, ये मैं मॉर्निंग में लेती हूँ। इसमें मैं फ्रूट्स रखती हूँ कट करके, थोड़े से नमक डाल देने से ये ठीक से रहता है। थोड़ा सा नींबू गाड़ देती हूँ मैं। और सुबह में तो हड़बड़ी होती है काम की, तो ब्रेकफास्ट में मैं इसे लेती हूँ। और इसमें हमारा कैंडी है, बच्चों के लिए रखती हूँ, ये गुलाब जल है, ये केवड़ा एसेंस है, ये वनीला एसेंस है, पाइन एप्पल एसेंस है। और इसमें ईस्ट मैं रखती हूँ, और ये जैम है, ये भी ईस्ट है, इसमें ये रखती हूँ। और इस बास्केट में मैं, देखिए, इसमें मैं सैलेड का रखी हुई हूँ। इसमें एकदम फ्रेश रहता है सारा, जो सब्जी होता है बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो इसमें मैं चुकंदर है, गाजर है, खीरा, इसे मैं एक पैक इसमें रखती हूँ। तो लौकी है, नेट का है। और इसमें टमाटो है, इसमें देखिए परवल और शिमला है। इसमें मैं भिंडी जब लाती हूँ तो उसे धो के, क्योंकि मुझे बनाने में बहुत आराम होती है, इसका जो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे मैं कट करके हटा देती हूँ और इसमें रख देती हूँ, निकालती हूँ फटाफट बना लेती हूँ। और इसमें हमारा बैगन है, और इसमें मैं प्याज कट करके रख देती हूँ। प्रायः मुझे कभी कभी मुझे चिकन उकन का ऑर्डर आता है, भाभी जी बना दो, तो मैं इससे निकालती हूँ और फटाफट बना देती हूँ। और ये नीचे ड्रॉवर में, ये देखिए, इसमें मैं केला रखती हूँ। आप भी केला को ऐसे रखें, ऊपर का जो इसका डंठल है इसमें आप पेपर और नहीं तो ये सिल्वर फॉयल लगा दें, इसका मुंह बंद कर दें, तो ये फ्रेश रहता है। और ये नीचे में हमारा सारा सेव है एक बकेट में। ये फ्रिज हमारा ऑलमोस्ट 3 साल का होने जा रहा है, लेकिन कहीं भी मैं इसे आप देख लो, कहीं भी इसमें एक गंदगी नज़र नहीं आ रही है। और ऊपर में ये सौफ मैं रख देती हूँ, क्योंकि बाहर में बहुत सारा सौफ ख़राब हो जाता है, तो इसे मैं ऊपर अभी खोली नहीं हूँ, मेरे डब्बे में भी पड़ी हुई। ये हमारा जूस रखा हुआ है, कभी कभार हम लोग लेते हैं। ये हमारा इसमें टमाटो केचप है, ये मेरा होममेड टमाटो सॉस है। और इसमें ग्रीन चिल्ली है, इसमें भी ये भी मैंगो जूस है, ये अमूल का फुल कोको है, ये सब मैं रखती हूँ। और मैं दूध इसमें रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आसानी होती है, इसे ले गई किचन में, ऐसे निकाली और फटाफट बना ली। मैं इसी में शीशे के जार में इसे रखती हूँ। और ये हमारा मूंग दाल है, क्योंकि आजकल तो बरसात का सीजन है, सारा चीज़ सारा में कीड़ा लग जाता है, इसलिए आप इसे फ्रिज में रखें। ये हमारा काजू है, इसे भी मैं फ्रिज में रखती हूँ, ये सब सही रहता है इसमें रखने से। और ये मैं सूजी को थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करके रखती हूँ, इससे इसमें कीड़ा भी नहीं लगता। और बनाने में भी, इडली बनाना है, डोसा बनाना है, या आपको इसका मैं कभी कभी चीला भी बनाती हूँ,
इडली भी बन गया, डोसा भी बन गया। इससे तो बहुत चीज़ बनता है, सूजी से तो बहुत चीज़। मैदा मैदा तो मैं बहुत कम यूज करती हूँ, यूज करती हूँ कभी कभार, क्योंकि मैदा से तो बहुत कुछ बनता है। तो आपने देखा मैं अपने फ्रिज को कैसे रखती हूँ, कैसे ऑर्गेनाइज रखती हूँ, कि कोई देखे तो कहे कि हाँ अच्छे से फ्रिज है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और ऊपर में हमारा, मैं जगह नहीं है तो मैं इसी पर रखती हूँ, ये हमारा डीप फ्रायर है और ये उसकी छन्नी है। इसमें 3 लीटर तेल डाल के मैं कभी होली दिवाली कुछ ओकेजन पर मैं बैठ के इसमें फ़ैन के नीचे आराम से बैठती हूँ, खाजा वगैरह, समोसा, मठरी, सारा कुछ मैं इसमें छान लेती हूँ। बहुत अच्छा चीज़ है वो। और ऊपर उसका जो स्ट्रेनर है, देखिए प्रिंट कितना सुंदर है। मैं इसे, ये भी हमारा 10 साल से है, ये बनते बनते टूटने भी लगा है, तो मैं इसी में बनाती हूँ। और एकदम इसमें जो छानता है तो बिल्कुल ऑयल फ्री हो जाता है। वैसे तो आजकल मैं बनाती भी नहीं हूँ, कभी कभी तो होली दिवाली सोसाइटी में रहती हूँ तो लोगों को देना पड़ता है, तो मैं इसमें बनाती हूँ। तो अब बताइए मैं आपको मेरा फ्रिज का टूर कैसा लगा, ज़रूर कमेंट्स दें। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। और इस फ्रिज को अगर आप नहीं खरीदे हो तो ज़रूर खरीदें, ड्यूरेबल है, बहुत अच्छा है और बहुत सारा सामान स्पेसियस है ये। तो आप भी ज़रूर ऐसा फ्रिज लें और बताएं कि हमारा फ्रिज टूर आपको कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।